फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं ओरेकल रीडिंग हमारे फायर साइंस के लिए, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। मैंने फायर साइंस के लिए साप्ताहिक राशिफल भी किया है, जिसमें मैंने टैरो का इस्तेमाल किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को और देखते हैं कि फायर साइंस के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, ये कार्ड काफ़ी दिनों से काफ़ी रीडिंग्स में आ रहा है बार बार। आई थिंक कलेक्टिव में ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, वो अनवांटेड थॉट्स, वो अनवांटेड बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम चाहते नहीं है रिपीट करना, लेकिन कोई ट्रिगर आता है फिर से वही दोहरा देते हैं। कहीं ना कहीं उनके वो अपनी एंडिंग में है गाइस, वो सभी चीज़ें अपने अंतिम चरण में हैं। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये रियलाइजेशन होगी है कि हाँ, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इस एनर्जी को क्लेम नहीं करता भाई। ये जो मेरा चैप्टर भी था लाइफ का, ये मेरी पूरी कहानी नहीं हो सकती, मेरा पूरा जीवन नहीं बन सकता। तो अब मुझे, क्योंकि नया चैप्टर शुरू करना है, तो मुझे इसको त्यागना होगा, इसको लेट गो करना होगा। तो यहाँ पर कोई मुझे पुशिंग, जिसे कहते हैं पुश करने वाली एनर्जी भी नहीं है, कोई फोर्सफुल एनर्जी भी नहीं है कि हाँ सिर्फ यू नो फोर्स करके कोई ट्रांसफॉर्मेशन को चूज कर रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं बस रियलाइज हो गया कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। धीरे 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 फिर वो मन जैसे किसी का निर्मल होता जा रहा है। आई थिंक ये हफ्ता स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत इंटेंस रह सकता है फायर साइंस। हो सकता है कि आपकी सुबह 3 बजे 4 बजे बिना बात के, बिना अलार्म के आंखें खुल जाए, यू नो आपका मन ना करे सोने का। या ये भी हो सकता है कि आप बहुत लॉस महसूस करें, ड्रीम्स आपको बहुत ही अजीबोगरीब है, आपको प्यास बहुत लग सकती है इस हफ्ते के, बार बार पानी पीने का मन करेगा। ये सारे साइंस हैं कहीं ना कहीं कि कुछ आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, ये एक्चुअल में आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। ठीक है, ओके, मुझे 4 कार्ड्स लेने थे पर ये 5 हैं आपके लिए, तो चलिए 5 ही ले लेते हैं। एक्चुअल में 6 हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर है हमारे पास हर्मिट की ऊर्जा, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो यहाँ पर देखिए साधना, जिसकी हमने बात की कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला पीरियड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको साधना बहुत कड़ी कर लेनी चाहिए इस हफ्ते में, नहीं, जितनी आपसे होती है, इसके ऊपर किसी ने तलवार नहीं रखी हुई, जितना इससे होता है वो उतना ही साधना कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, इस हफ्ते डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी को ही अपने भीतर यू नो समाना चाहिए, थोड़ा सा दुनियावी चीज़ें, थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल साइंस हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर अगला मैसेज हमारे पास, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद हिम। या ये करके तो मैजिक ही क्रिएट होता है। मेडिटेशन क्यों जवाब कहा जाता है हर प्रश्न का, इस वजह से, क्योंकि ये मैजिकल है, ये हर प्रश्न का जवाब है, यू नो। तो यहाँ पर मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आप। आपके लिए सेज पैथ लेना भी बहुत अच्छा रहेगा, इनके साथ बहुत ही थका हुआ भी महसूस करें, क्योंकि नींद का अभाव रह सकता है। हो सकता है कि नींद आए ही ना, लेकिन बॉडी पर तो असर पड़ता है ना, बॉडी को तो नींद चाहिए हमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर थका हुआ महसूस करें आप, तो बेसिकली आप थोड़ा सा सेज पैथ ले सकते हो। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर शाओलिन मास्टर और इसके ऊपर लिखा हुआ है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। इस हफ्ते अगर किसी के साथ मिल रहे हैं और बातों ही बातों में कोई ट्रिगर हो जाए, या बातों ही बातों में आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कोई समझ कुछ और रहा है, तो आप बेसिकली प्यार के साथ ही, ग्रेसफुली ही उस पूरी सिचुएशन को निपटाने की कोशिश कीजिएगा। आपको यू नो वो फायर साइंस है, तो आपको वो लियो, सेजिटेरियस, एरीज वाइब्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वाटर साइंस की ऊर्जा के साथ भी काम कर सकते हो। थोड़ा ठंडा रहना है यहाँ पर, ठीक है, खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की ही ऊर्जा है। हमारे पास है यहाँ पर अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड। आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीक फायर साइंस कहीं ना कहीं यू नो वो हैप्पी स्माइल होगी आपके चेहरे पर। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो भी हुआ पूरे हफ्ते में, ये जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया 3D में भी, या फिर मेरे भीतर भी जो भी चला, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हल्का सापन है गाइज आपकी एनर्जी में, ये यहाँ से यहाँ तक का सफर जैसे बहुत ही हल्का सा, ये नेचर की ऊर्जा है। ये लास्ट के जो 2 कार्ड है हमारे पास, इसके ऊपर लिखा हुआ है लेडी इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो बहुत हल्की ऊर्जा, मदर अर्थ गाया की, यू नो। तो
रिलीजिंग है गाइज, बहुत सारी रिलीजिंग पॉसिबल है कि इस हफ्ते कोई अतीत से वापस आए। अगर आपको किसी का इंतज़ार है तो डेफिनेटली वो मुझे सुलह होती हुई दिख रही है। इनकेस आपको वो फाइनल क्लोजर चाहिए किसी से कि बस अब तुम वापस दोबारा मत आना, तो कहीं ना कहीं वो भी होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और इन्जॉय और सक्सेस की भी बात की गई है, तो आपके करियर के लिहाज से भी यह हफ्ता अच्छा रह सकता है। लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं हमारे फायर साइंस के लिए। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, हमारे पास यहाँ पर मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो फेमिनिन साइड यहाँ पर जैसे हील हो रही है, यहाँ पर भी मदर की ही ऊर्जा है। यू नो, कहीं ना कहीं अगर आप आपकी फैमिली में भी कुछ दिक्कत से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि रिश्ते सुधरें, रिश्ते किसी ना किसी तरीके से एक नए चैप्टर में शुरू, यू नो, एक नए चैप्टर में जाएं, यहाँ पर ऐसा भी मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत समय से आपके साथ बात नहीं की है, आप उनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपने भाई बहनों से कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली की ही ऊर्जा लग रही है। और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो हर बात को साबित करने की भी कोशिश मत कीजिए, खास करके ये थोड़ी सी एरिस की ऊर्जा हो जाती है। एरिस थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, यू नो, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर हर बात पर साबित करना नहीं, वो नहीं करना, उसमें एनर्जी वेस्ट होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एल मौर्या, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि सेज की ऊर्जा आपके लिए अच्छी रहेगी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, मेक श्योर कि आप जानबूझकर किसी के साथ ड्रामा या आर्गुमेंट को क्रिएट ना करें। अगर आपके मन में ऐसा कुछ ख्याल चल भी रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे इस शख्स को कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, नहीं, इस हफ्ते नहीं करना है हमें, क्योंकि इस हफ्ते हमारे भीतर ही बहुत कुछ चल रहा है, तो पहले इसको निपटा लेते हैं, बाद की बात में करेंगे। इनकेस आपको बात करनी भी है, मैं अगेन कह रही हूँ, प्यार को चूज़ कीजिए, ड्रामा को नहीं। यू नो, जल्दी ट्रिगर ना तो किसी को करना है, ना ही अपने आप होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर इसके साथ साथ आप यू नो वो 3D रियलिटी को भी चूज करोगे, ड्रामा को भी, यकीन मानो बहुत थक जाओगे इस पूरे हफ्ते के अंत तक। तो वो नहीं करना है हमें, हमें हल्का महसूस करना है, जो कि यहाँ पर मदर अर्थ, ये फेमिनिन एनर्जी की ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पर है गाया, सी, बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी गाइज, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आई गेस यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसी रियलाइजेशन से गुजर सकते हैं कि आपके लिए ये खाना अच्छा नहीं है, या ये डाइट आपके लिए अच्छी नहीं है, या आपको इन चीज़ों का खाने में त्याग करना चाहिए, या इन चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको त्याग करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत ही नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करना, वैसा ही सादा जीवन जीना, ऐसे भाव कुछ लोगों के मन में उत्पन्न हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप इस हफ्ते बहुत सारी डोनेशंस करें, आपका बहुत ही जैसे मन करेगा लोगों का ध्यान रखना, लोगों की जो पीड़ा है उसे समझ पाना, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो होता है ना हमारा कलेक्टिव के साथ, जहाँ पर हम कलेक्टिव के गुनाहों को नहीं, कलेक्टिव के दर्द को समझते हैं, कलेक्टिव की सफरिंग को समझते हैं, और उसकी वजह से ही वो भाव उत्पन्न होता है कि हाँ मुझे सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से मुझे सेवा करनी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसी भावना से गुजर सकते हैं। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो लियो साइन से इस हफ्ते काफ़ी इमोशनल रहे, मुझे लियो की ओर जब बहुत, क्योंकि लियो के लिए ये एनर्जी उफ इंटेंस लियो के या तो हाई चलते हैं या लो चलते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लियो के लिए, थोड़ा सा भावुक हो सकता है ये हफ्ता का काफी। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। अर्थ कनेक्शन से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ यू नो बहुत ही सोशल वर्कर्स जो होते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी कुछ लोगों का संपर्क हो सकता है, नए दोस्त बन सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी ही कोई कम्युनिटी को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चांसेस लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, जिसकी हमने बात की, देना, यू नो, वो भाव क्योंकि आएगा कि नहीं, ये मुझे गुनाहों को नहीं, मुझे सफरिंग को देखना, और मैं कैसे इन इस सफरिंग को हील करने में अपना योगदान दे सकता हूँ, फिर चाहे वो योगदान छोटा हो। कहते हैं कभी कभी कि एक इंसान क्या उखाड़ लेगा, एक इंसान क्या कर लेगा, लेकिन अगर एक इंसान भी अपनी तरफ से अपनी भूमिका अदा करे, तभी ये धरती काफ़ी हील हो सकती है ना। तो यहाँ पर अपना रोल, अपनी भूमिका अदा करनी है इस धरती को हील करने में, क्योंकि यहाँ पर गाया की ऊर्जा तो बहुत है।
शायद आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली गाया की ऊर्जा के साथ काम करना भी शुरू किया है, तो ये एक्चुअल में आपके खुद के इस एनर्जी से आपको मुक्त करेगी। सबसे बड़ी हीलर होती है धरती माँ, इससे बड़ा हीलर है नहीं कोई। ये सब कुछ चुपचाप सह रही है, लेकिन सब फिर भी हमें यू नो जगह दे रखी है, पनाह दे रखी है हम सभी को, तो ये बहुत बड़ी हीलर है। तो माँ, जैसे आप जितना माँ के लिए करेंगे, उतना ही जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसमें आपको राहत मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स। What do you need to release? Yeah, waxing moon. Oh, waning moon. तो यहाँ पर ये जो shedding भी है, ये releasing का ही you know एक नजारा है। तो यहाँ पर definitely ये प्रश्न कीजिएगा अपने आप से, fire signs, कि मुझे क्या release करने की ज़रूरत है। कुछ तो बाकी है अगर मेरे अंदर जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, जिस energy को मैं claim नहीं करता, तो बस मुझे इसको ही release करना है। जितना आप उसके बारे में conscious रहते जाओगे, जितना आपकी awareness बढ़ती जाएगी उस भाव की, उस feeling के बारे में जो कि बहुत ही unwanted है, उतना ही आप ready होते जाओगे उसे release करने के लिए। ये सब mind की गेम है गाइस, सब कुछ वैसे ही शुरू होगा, माइंड से ही शुरू होगा, है ना। तो यहां पर ये प्रश्न कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। अ टाइम फॉर हीलिंग, कम ऑन, अ टाइम फॉर हीलिंग, बल्सामिक मून, क्या कहूं मैं आपसे, आई मीन मेडिटेशन है यहाँ पर, मैजिक हो रहा है, मदर अर्थ गाया, हमने हीलिंग की ही बात की कि माँ से बड़ा हीलर कोई नहीं है, तो आपको एक्चुअल में बहुत सारी हीलिंग दी जा रही है। इसका स्वागत कीजिए, इसे क्लेम कीजिए, एनर्जी को इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द, दिखेगी नहीं, हो सकता है कि कुछ लोगों को दिखे भी, हो सकता है कि कुछ लोगों को वॉयलेट फ्लेम जिसे कहते हैं, जामनी सा रंग आपको अपने ऑरा में या आपको बहुत जामनी रंग अट्रैक्ट भी कर सकता है। ये भी एक संकेत होते हैं जब हीलिंग का हम स्वागत कर रहे होते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए लैवेंडर की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, अगर आप अपने यू नो नब्स के ऊपर वो सेंट्रल ऑयल लगाएं या फिर यू नो गणपति के ऊपर, तो वो भी आपके लिए काफ़ी राहतमंद रहेगा। तो या ये हीलिंग का पीरियड है फायर साइंस के लिए, ये हफ्ता या आने वाले 2-3 हफ्ते, क्योंकि टाइम फ्लूइड होता है यू नो टैरो रीडिंग्स में, तो यहाँ पर डेफिनेटली हीलिंग है, इसको स्वीकार कीजिए और खुद को हील कीजिए। ठीक है मेरी जान, तो ये है फायर साइंस के लिए इस हफ्ते की ओरेकल रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।